हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम ये थर्ड वीडियो है नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल में, ख़ास तौर पे टीसीएस के एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो उसने पेपर लिया ऑनलाइन वेंडर टीसीएस ने, तो उसमें कुछ पैटर्न चेंज किया है उसने इंग्लिश के क्वेश्चन में और दूसरे सेक्शंस में भी। तो हम इंग्लिश के वो नए पैटर्न के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज ये तीसरी वीडियो है उस सीरीज़ की। अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी ये इस पैटर्न थर्ड पार्ट तक हम सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने वाला ही पैटर्न देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पैटर्न्स भी देखेंगे। और जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था, इस पूरी सीरीज़ का जो पर्पज़ है वो ये आपको तैयार करना है, कराना है आपको नए पैटर्न के हिसाब से, और ये समझाना है साथ साथ कि अगर आपका ग्रामर सही है, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, तो आपको इस पैटर्न में भी बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस रहेंगे। पहले इससे पहले हाँ इससे पहले कि मैं इस सेशन को स्टार्ट करूँ, एक पिछली वीडियो में करेक्शन था, वो मैंने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के पिंड मैसेज में भी लिख दिया था कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने जो सही सेंटेंस बताया था वो अ चॉर ऑफ सिंगर्स वर परफॉर्मिंग इन द ऑडिटोरियम बताया था, जो कि एक्चुअल में गलत था, मिस्टेक थी ऑन माई पार्ट। एक्चुअली जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो अ चॉर ऑफ सिंगर्स वॉज परफॉर्मिंग इन दी ऑडिटोरियम, क्योंकि चॉर जो है एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जब होता है और सारे मेंबर्स या सारा ग्रुप एक साथ काम कर रहा होता है, तो हम उसको सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वॉज लेते हैं, वर्ब नहीं लेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। तो ये करेक्शन थी पिछली वीडियो से, आप देख लीजिएगा उसको। तो देखिए, जैसे चार सेंटेंसेस हैं, उनमें से एक सही है, बाकी तीन जो हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। आपको ग्रामेटिकली सही सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये चार, एक ही सेंटेंस के चार अलग अलग तरीके से लिखा है, तो आपको बताना है इनमें से सही, ग्रामेटिकली सही सेंटेंस कौन सा है। ही इज़ एक्टिंग टू गुड, हिज एक्टिंग इज़ टू गुड, हिज एक्टिंग इज़ बेस्ट, हिज एक्टिंग इज़ मच बेटर, हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड। तो देखिए, हिज एक्टिंग इज़ टू गुड, ये प्रॉब्लम ये है कि ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत से लोग बोल देते हैं, इस वजह से फर्स्ट सेंटेंस बहुत से लोगों को लग सकता है कि ग्रामेटिकली सही है, लेकिन टू गुड जो मीनिंग है एक्चुअल में टू गुड का, वो एक नेगेटिव सेंस लेके आता है। टू गुड का मतलब होता है जब मोर देन रिक्वायर्ड कोई चीज़ हो तो वो कहलाता है टू गुड। हिज स्टेटमेंट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, उसका स्टेटमेंट इतना ज़्यादा अजीब है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का है कि वो सच होने का चांस नहीं है। इस तरह से टू स्वीट टू बी द टी वॉज टू स्वीट टू बी ड्रंक, तो जहाँ पर भी टू गुड आएगा वो नेगेटिव सेंस में आएगा। तो हिज एक्टिंग इज नेगेटिव सेंस में, टू गुड तो कहीं से भी मीनिंग नहीं बनाएगा। हिज एक्टिंग इज बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, गुड बेटर बेस्ट, तो उसके साथ क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगना लगता है, एक आर्टिकल लगता है दा, जो यहाँ पर मिसिंग है। इस वजह से सेकंड सेंटेंस भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फिर है थर्ड, हिज एक्टिंग इज़ मच बेटर, ये हो सकता था अगर मच बेटर के बाद कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसा वर्ड होता जो डिनोट कर रहा होता कंपैरिजन को, तो ये ऐसे सही होता कि हिज एक्टिंग इज़ मच बेटर देन हिज एक्टिंग लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कहीं किसी से कंपैरिजन कर रहा होता तब आता मच बेटर। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है फोर्थ ऑप्शन ही सही है, हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड। टू गुड आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड, किसी की एक्टिंग, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। फिर है, इफ़ आई स्टडीड वेल आई विल पास, इफ़ आई स्टडीड वेल आई पास्ड, इफ़ आई स्टडीड वेल आई पास, इफ़ आई स्टडीड वेल आई वुड पास। तो स्टडीड है तो आपको चारों में आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस के अंदर है, तो विल नहीं हो सकता क्योंकि विल जो है फ्यूचर टेंस की चीज़ है, पास भी नहीं हो सकता क्योंकि पास जो है प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट टेंस की का वर्ड है, पास्ट या वुड पास्ट में से ही एक होगा। अब इसमें भी यह है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअल में सेंस ये है कि अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। जैसे अगर कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहना पड़े कि अगर मैं SSC के लिए पढ़ लेता तो सिलेक्शन पा लेता, अगर मैं SSC के लिए अच्छे से पढ़ लेता, तो आपके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है, इफ़ आई स्टडीड वेल फॉर SSC। अब इसके आगे क्या आएगा, आई विल पास, या तो आएगा नहीं आई पास ना आके आई वुड पास। वुड जो है वो पास्ट का डिनोट करता है, विल की जगह पे फ्यूचर में विल होता है तो पास्ट में क्या होता है वुड, तो यहाँ पर क्या आएगा वुड, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट्स हैव यू गॉट, हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स हैव यू गॉट, हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट्स हैव यू गॉट, हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स हैव यू गॉट। तो देखिए ये बेसिकली नाउन का क्वेश्चन है, और नाउन के क्वेश्चन में ये है कि देखिए जो 3 केसेस हैं, तो 3 केसेस में तो क्लियर करिए पहले कि हाइफनेटेड नाउन है, ये हाइफन है यहाँ पर बीच में, तो हाइफनेटेड जब भी होता है केस तो वहाँ पर प्लूरल नहीं आता है, तो 10 रुपीज़ नहीं हो सकता, 10 रुपी नहीं हो सकता, यहाँ पर सिर्फ 10 रुपी हो सकता है, ठीक है। तो या तो ग्रामेटिकली 4 सही है। अच्छा 1 क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 10 जो है एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव जब लग जाता है तो उसके बाद का जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो 10 के बाद 10 रुपी हो सकता है, 10 रुपीज़ नहीं हो सकता, 5 रुपी नोट्स हो सकता है, 5 रुपीज़ नोट्स नहीं हो सकता। इसलिए सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 4th ऑप्शन, हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स हैव यू गॉट, हाइफनेटेड है तो उसमें जो है सिंगुलर ही आएगा। फिर है प्रकाश बोल्स फास्टर देन सुरेश इजेंट इट, प्रकाश बोल्स फास्टर देन सुरेश इजेंट प्रसाद, ये बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग कौन सा लगेगा, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो सबका सेम है, क्वेश्चन टैग में पूछा गया है आपसे। तो देखिए सेंटेंस जो है वो क्या है, सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है, तो सिंपल प्रेजेंट में डज होता है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल याद रखिए कि, और जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें उन्हें तो याद होगा ही, कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि कंपैरिजन हो रही है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डजेंट ही आएगा, डज ही नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या है सही है, 4 सही है। इजेंट इट तो हो ही नहीं सकता था, इजेंट प्रसाद इस वजह से नहीं हो सकता था कि एक तो डज आना चाहिए था, डज का फॉर्म आना चाहिए था, दूसरा कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आता है ना कि नाउन, तो ही यहाँ पर आ सकता था, सूटेबल प्रकाश के लिए ही आएगा, प्रसाद खुद वो नाउन नहीं आ सकता। फिर है द कमीशंस आर सेटअप टू आस्क इन टू द इंसिडेंट्स, द कमीशंस आर सेटअप टू इंक्वायर इन टू द इंसिडेंट्स, द कमीशंस आर सेटअप टू डिमांड इन टू द इंसिडेंट्स, द कमीशंस आर सेटअप टू लुक इन टू द इंसिडेंट्स। तो ये बेसिकली अगर आपको फ्रेजल वर्ब पता है, फ्रेजल वर्ब्स को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि लुक इन टू होता है एक्चुअली छानबीन करना। तो जो कमीशंस होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर, लीगल इश्यूज पर, तो वो लुक इनटू करते हैं, छानबीन करते हैं, तो लुक इनटू जो है यहाँ पर सही आएगा। इंक्वायर इनटू, ज़रूरी नहीं कि इंक्वायरी करें ही कमीशंस, कुछ इंक्वायरी कमीशंस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं कमीशंस वो छानबीन करते हैं किसी टॉपिक पर, तो उसके लिए उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, उनको फॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा लुक इन टू, यानी कि ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। फिर आई एम एंग्री अपॉन यू, आई एम एंग्री अगेंस्ट यू,
आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री ऑन यू। तो आपको बताना है अपॉन आएगा, अगेंस्ट आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा एंग्री के बाद। तो देखिए इसका एक रूल याद रखिए कि यू आर एंग्री विद समबडी एंड यू आर एंग्री एट समथिंग। अगर किसी से एंग्री हो रहे हैं, किसी इंसान से, तो उसको कहते हैं एंग्री विद। तो एंग्री विद यू, एंग्री विद हिम, एंग्री विद राज, एंग्री विद राहुल, एंग्री विद सीता, एंग्री विद जया, एंग्री विद जॉन, एंग्री विद, ठीक है। और एंग्री एट, जब हम किसी चीज़ से एंग्री होते हैं, एंग्री एट हिज बिहेवियर, एंग्री एट हिज इम्पेशियंस, एंग्री एट हिज फुलिश बिहेवियर। तो जब हम किसी चीज़ पर, किसी क्वालिटी पर हम एंग्री हो रहे होते हैं, तो एंग्री एट होते हैं हम। और जब किसी इंसान पर हो रहे होते हैं, तो एंग्री विद हो रहे होते हैं। यानी कि ऑप्शन थ्री इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। फिर है कीप क्वाइट वी लिसन टू द रेडियो। तो आपको बताना है कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, कीप क्वाइट वी लिसन टू द रेडियो, कीप क्वाइट वी हैव लिसन टू द रेडियो। तो पहली बात तो ये कि सेंस समझिए कि सेंटेंस क्या है। खामोश हो जाओ, हम रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, यही तो आएगा। तो इस बेस पर आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। सुन रहे हैं, एक एक्टिविटी प्रेजेंट में है और वो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इसलिए आप लिसन्ड तो पास्ट हो गया, वी हैव लिसन्ड टू द रेडियो, हम सुन रहे हैं, नहीं आता है इसका मतलब। वी लिसन टू द रेडियो, तो ये तो सिंपली प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। यानी कि ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। तो बहुत सी बार अगर आप सेंटेंस को दिमाग में ट्रांसलेट कर लेंगे, ये क्या सेंस बनना चाहिए, सेंटेंस किस सेंस का है, तो आप आंसर बहुत आराम से लगा सकते हैं। फिर है विद हर चाइल्डिश इनोसेंस शी वॉन द हार्ट्स ऑफ एवरी वन प्रेजेंट देयर। विद हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस शी वॉन द हार्ट्स, विद हर इम्पिश इनोसेंस, विद हर रोगिश इनोसेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चाइल्डिश होगा, चाइल्ड लाइक होगा, इम्पिश होगा या रोगिश होगा। देखिए चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ये समझिए कि चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। तो बचकाना एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बचकानी हरकत कर रहा है, बचकानी बात कर दी। और चाइल्ड लाइक का मतलब बच्चे की तरह, मतलब पॉजिटिव सेंस में, बच्चे की तरह मासूम, बच्चे की तरह प्यारा। तो चाइल्ड लाइक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक ब्यूटी। तो यहाँ पर चाइल्ड लाइक इनोसेंस की, और शी वॉन द हार्ट्स मतलब ऑब्वियसली बच्चे की, बच्ची की तारीफ की जा रही है। तो यहाँ पर चाइल्डिश नहीं हो सकता, यहाँ पर चाइल्ड लाइक हो सकता है। अब आपको बस और ये देखना है, वैसे तो सेकंड खुद में सही हो जाता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक का डिफरेंस पता चल गया। लेकिन अगर इम्पिश है, तो इम्पिश का मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस, शरारती, शैतानी करने वाला। और रोगिश का मतलब तो बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट और बदमाश, स्कॉन्ड्रल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो रोगिश और इम्पिश इनोसेंस तो नहीं हो सकती, बिल्कुल ही अपोजिट से एंटोनिम्स टाइप के वर्ड हैं, इनोसेंस और इम्पिश, इनोसेंस और रोगिश। तो इसलिए सेकेंड ही ऑप्शन सही है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही नहीं हो सकता। और चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में आप फ़र्क देखते रहिए, याद रखिए उसको। फिर है क्वेश्चन, आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार। आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई अडॉप्टेड सो फार। आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई वॉज अडॉप्टिंग सो फार। आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव बीन अडॉप्टिंग सो फार। तो यहाँ आपको बताना है, तो इसमें देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या था। सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं अब अलग तरीके से उस इंसान को हैंडल करूँगा, डील करूँगा, उस मैनर से जो मैंने पहले अडॉप्ट किया हुआ, जो अभी तक मैंने पहले जो अभी तक मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो अभी तक चेंज नहीं किया, उस चीज़ को चेंज करने की सोच रहा है।
और फ्यूचर में कर रहा है, तो फ्यूचर का कनेक्शन किससे होता है? प्रेजेंट से, पास्ट से नहीं होता है। पास्ट से आप डायरेक्ट फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से आई अडॉप्टेड सो फार नहीं आएगा। सो फार से भी रिलेशन आ गया कि मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि सो फार का मतलब ये है कि अभी तक, यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है। तो आई अडॉप्टेड और आई वॉज अडॉप्टिंग तो वैसे ही कट जाता है। इस वजह से बचता है आपका फर्स्ट और फोर्थ। देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में चूंकि यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दे रखी है, तो आई हैव बीन अडॉप्टिंग सो फार ना होके आई हैव अडॉप्टेड सो फार ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसके लिए आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिचुएशन को और उसके रूल्स को रिव्यू कर लीजिएगा कि जब कोई कोई टास्क अभी अभी पूरी होती है, बिल्कुल जस्ट अभी पूरी हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में है लेकिन अभी भी उसका प्रेजेंट में भी उसकी इम्पोर्टेंस है तब, या कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, तो उसके लिए भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर सेंस या टाइम की ड्यूरेशन भी होती है, तब हम जो है तब हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे होता अगर फोर में आई विल नाउ डील विद हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव बीन अडॉप्टिंग सिंस 2010, या आई हैव बीन अडॉप्टिंग फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो तब जो है ये सही होता। ठीक है, तो आपका सही कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। फिर है द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फॉर पास्ट 2 वीक्स। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड सिंस द पास्ट 2 वीक्स। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर द क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फॉर द पास्ट 2 वीक। तो इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको क्लैमरिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। वैसे तो इसमें इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कुछ और वर्ड आ नहीं रहा है क्लैमरिंग के अलावा, लेकिन क्लैमरिंग अगर आपको मतलब पता है तो वैसे भी आपकी वोकेबलरी में इम्प्रूवमेंट ही है। क्लैमरिंग का मतलब होता है शोर शराबा करना, प्रोटेस्ट करना, तो क्लैमर करना उसको कहते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, तो बच्चे जो है क्लैमर कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लैमरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा या फॉर द आएगा, ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंस तो नहीं आ सकता, क्योंकि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2010, सिंस फेबररी, सिंस, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आप क्या इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन के लिए? फ्रॉम भी नहीं इस्तेमाल करते, आप ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर। आप ड्यूरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर। ठीक है, और उसके साथ साथ अब आता है फॉर एक सेकंड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन ही बचता है। तो इसमें यह है कि 2 वीक्स को, पास्ट 2 वीक्स को डिफाइन किया है प्रॉपरली, तो उसके लिए जो है एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। द ऑर्फन्स हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फॉर द पास्ट 2 वीक्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन फोर। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा सही था? ऑप्शन फोर। तो इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चंस देखे हैं नए पैटर्न पे TCS के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी बात पे करेगा कि आप कितना अच्छे से अपने आप से मेहनत करते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो, मेरी भी वीडियोस आपको कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में एफर्ट जो है आपको
खुद ही लगाना है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और होपफुली सिलेक्शन भी लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।